वेलकम टू चैनल संजय सर। दोस्तों, उसके पहले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने आपको 4, 5, 6 का क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 6 का 7 क्वेश्चन, sec rays में 4 theta minus cos rays में 4 theta is equal to 1 minus 2 cos square theta। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन में ये मिस्टेक दिया हुआ है। इंस्टेड ऑफ sec rays 4 theta आपको आएगा यहाँ पे sin rays में 4 theta, तो ये मिस्टेक था दोस्तों। तो sin rays में 4 theta minus cos rays में 4 theta is equal to 1 minus 2 cos square theta, ये क्वेश्चन है सही। अब हम देखेंगे, हमें इस लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल करना है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ आपको साइन रेज में 4 थीटा माइनस कॉस रेज में 4 थीटा। हमें करना क्या है दोस्तों, स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर। अब दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला हमें पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। सिंस वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो वैसे ही देखेंगे तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो हमें अप्लाई करना है रूल। तो हम देखेंगे ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों, हमें पता है, सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो आ रहे हम लोग 1। तो 1 आने के बाद जब अगर हम सेम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बाद में 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 तो हट जाएगा। हमें देखना है साइन स्क्वायर थीटा जो दिया हुआ है, हमें यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या चाहिए, हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हमें इसको जीरो का क्यों रखना है, हमें इसे चेंज करना होगा। तो हमें पता है सिंस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, इसी में देखा जाए तो 1 ये जो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वहाँ एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका एक 1 है, इसका एक 1 है, तो 1 1 में क्या बन जाएगा 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हमारा आ गया, तो ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो हम क्वेश्चन को फिर से ले देंगे, तो हमारा क्वेश्चन था साइन रेज में 4 थीटा माइनस कॉस रेज में 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है दोस्तों। सिंपल सवाल था दोस्तों, ये सवाल आराम समझिएगा। इसका 8 सम देखेंगे अब, sec theta plus tan theta is equals करना हमें cos theta upon 1 minus sin theta के। सवाल हमें देखना है, सवाल हम देख लिए, अब देखते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो दिया हुआ है sec theta plus tan theta। अब हमें यहाँ पे sec theta का लगाएंगे हमें आपका opposite formula, तो आएगा 1 upon में cos theta plus tan theta लगाएंगे actual formula, तो यहाँ पे आएगा sin theta अपॉन में कॉस थीटा। इतना करने के बाद हम देखेंगे दोनों डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ है, तो कॉस थीटा हम एक बार लिख देंगे और ऊपर लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा। दोस्तों, यहाँ समझना होगा 1 प्लस साइन थीटा हम कॉन्जुगेट लेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन थीटा, हमें उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या बन गया, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो यहाँ पे जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 1 का स्क्वायर करने पे आएगा 1, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हमें पता है सिंस वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो जहां दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, जहां दिया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वहां दिया हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट में वन माइनस साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब कॉस स्क्वायर थीटा का हम दो बार मल्टीप्लाई रखेंगे, तो बनेगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट में वन माइनस साइन थीटा। cos theta get cancelled, so we get the value cos theta upon me 1 minus sin theta, it is our right hand side. So we proved here left hand side is equals to right hand side. We write one more time question diya tha humko, sec theta plus tan theta is equals to cos theta upon me 1 minus sin theta, hence proved. Ye humne prove kar diya dosto, theek hai. 9th sum दोस्तों, सवाल में दिया हुआ है tan theta plus 1 upon tan theta is equals to 2k, then we show that tan square theta plus 1 upon tan square theta is equals to 2k. आपको ये सवाल थोड़ा सा अलग है, यहाँ प्रूफ नहीं करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यहाँ पे आपको हिंट दिया हुआ है, इस सवाल को आपको इस रूप में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो हमें यहाँ पे हिंट मिल गया कि हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, तो लिखेंगे tan theta plus 1 upon में tan theta the whole square is equals to 2 square. हमने क्या लिखा, taking square of both side, taking square of both the side, both the side का हमने क्या किया, square ले लिया। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें एक formula apply करना है, हम जानते हैं since we know that a plus b the whole square is equals to a square plus 2ab प्लस बी का स्क्वायर। हम देखेंगे तो यहाँ टेन थीटा जो है वो हमारा ए है और वन अपॉन टेन थीटा जो हमारा वो क्या है, बी है। तो हम सेम नहीं फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हमें चाहिए ए का स्क्वायर, ए कौन है टेन थीटा, तो लिखेंगे टेन का स्क्वायर थीटा, फिर प्लस टू चाहिए, हमने टू लिखा इन टू ए का वैल्यू दिया हमको है टेन थीटा, हम लिखेंगे टेन थीटा इन टू बी का हमको वैल्यू दिया है वन अपॉन टेन, तो लिखेंगे वन अपॉन टेन थीटा, फिर प्लस बी का स्क्वायर चाहिए, तो बी कौन है वन अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद में हमें इज इक्वल करके टू टू जा फोर हो गया। अब देखिए यहाँ टेन थीटा गेट कैंसल, सो देयरफॉर टेन का स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचा टू, टू वन जा टू प्लस वन अपॉन में टेन का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या चाहिए हमको, टेन का स्क्वायर चाहिए, टेन का स्क्वायर है हमें, प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर चाहिए, वन अपॉन टेन स्क्वायर है, तो हमें ये टू नहीं चाहिए, इस टू को हम उठा के यहाँ से वहां चले जाएंगे लेके, तो देयरफॉर टेन का स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर माइनस टू हो जाएगा। देयरफॉर टेन का स्क्वायर थीटा प्लस 1 upon 10 का स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2k, और हमने सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व किया। दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 का हमने क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 कंप्लीट किया, आने वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 11 और 12 कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों अपने दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर करते रहें। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।